दुख हुआ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली करके आकांक्षा दुबे ने सो शॉकिंग इतना शॉकिंग हो रहा है कि वो उसके वीडियोस मैंने देखे हैं कि वो आत्महत्या करने से पहले वीडियो में रो रही थी मतलब कुछ तो हुआ है आपको लगता है आत्महत्या है कि फिर पता नहीं आजकल यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा मैंने भी प्यार किया था बट आप स्ट्रांग हो ना लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ और मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया मैं अपनी जिंदगी के लिए एक ही जिंदगी है मैं लड़ी हूँ और खुदा ने मुझे न्याय दिलाया है मेरा जो गुनहगार था अब दोबारा प्यार होगा 50 बार होगा मेरा दिल मेरी जिंदगी मेरा प्यार सब कुछ मेरा प्यार होगा राजी बहुत बार होगा जा जा अभी होगा प्यार होगा बहुत बार होगा प्यार कोई रोक नहीं सकता मुझे प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता मुझे प्यार करने से कौन रोकेगा मैं क्यों रोकूंगा छोटू देखो क्या लिखा है स्टे सॉरी क्या सॉरी सॉरी स्टे सॉरी सॉरी बोल कहाँ देख रहा है फिर मैं ऐसे पढ़ाई कर दूंगी ना छोटू भूख इतनी लग रही है कि हंसी भी नहीं निकल रही नवरात्रि के रोजे के साथ नवरात्रि भी जी भी रोजे के साथ नवरात्रि है सबको ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए जी और बस देखिए रोजे हो उपवास हो नवरात्रि हो ईद हो हम सब तो एक ही तो है जी है ना आसमान में एक खुदा है सब लोग अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं रोजे करते हैं उर्दू में रोजे कहते हैं अरबिक में हिब्रू में रोजे कहते हैं और हम लोग हिंदी भाषा में इसे उपवास कहते हैं तो भैया उपवास जो है सिर्फ भूखे रहने से नहीं होगा बुरी आदतें जो होती है ना हमारी बुरी आदतें दारू जो लोग पीते हैं वो उसको भी उपवास कर सकते हैं उसको छोड़ दो गाली बकना फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं किसी का बुरा नहीं करना खुद पे अत्याचार हो रहा है वो भी नहीं सहना यू नो नमाज पढ़ सकते हो लेकिन उन औरतों के लिए क्या जिनके घर में बड़ी फैमिलीज है बच्चे हैं आप नमाज पढ़ने जाएंगे बच्चे आपको सताएंगे आपका आंचल खींचते हैं मतलब औरतों के लिए इंडिया में हर जगह जगह पे मस्जिद होनी चाहिए मस्जिद के बाजू में फीमेल मस्जिद जिसको वो नमाज पढ़ सके एकदम साफ सुथरा यहाँ पे तो कोर्ट में आप जाएंगे तो थुक थुक के वो लोग लाल कोर्ट पूरा वाइट गवर्नमेंट कर दिए थुक थुक के लोग हैं ना कितना रेड कर दिए कितना गंदा लगता है कोर्ट में आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कितना गंदा कर रखा है बट एक साफ सुथरा खुदा की जगह होती है ना वो साफ सुथरी रखनी पड़ती है एंड मैं घर में ही नमाज पढ़ रही हूँ घर में ही सब कर रही हूँ लेकिन मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ कि एक औरतों के लिए मस्जिद होए तो सारी औरतें मिलके सुकून से यू नो नमाज पढ़ सके यू नो ज़्यादा तो नहीं बोल रही मैं ये मेरी इच्छा है ज़्यादा तो नहीं बोल रही ये इच्छा है इच्छा में क्या है ना यू नेवर नो शायद हो भी जाए मौलाना लोग जो इतना इतना सब अच्छा बोलते हैं ज्ञान देते हैं लोगों को इतना अच्छा बोलते हैं तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से होना चाहिए आपको नहीं लगता जरूरी है क्योंकि आदमी अपना सुकून से नमाज़ पढ़ के आ जाता है औरत सुकून से नमाज नहीं पढ़ पाती है घर में कोई पीछे चिल्लाता हर किसी का घर बड़ा नहीं होता घर में पीछे चिल्लाते रहते हैं बच्चे क्यों रोते रहते हैं फिर फ़ोन आते रहता फिर कुछ फिर ये पका के नहीं धोया के नहीं दूध वाला यू नो बनिया वाला पता नहीं इतने लोग आते रहते बेल मारते रहते मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून होता है जहाँ पर सिर्फ खुदा मिलता और आप सुकून से 2 रकात 4 रकात 8 रकात 10 रकात 20 रकात पढ़ो और निकल लो अपने घर पर अच्छा लगता है।
बहुत अच्छी बातें करने लगी हूँ ना मैं। आप लोग ने पहचाना नहीं जी, मैं तो पहले से अच्छी हूँ। आप लोग नहीं पहचान रहे मुझे, मैं तो पहले से एकदम नेक हूँ, सूफी हूँ, है कि नहीं? और क्या चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा। देखो मैं हर जगह अवार्ड नाइट हो रहा है, मुझे ऑफर आ रहा है, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि रमज़ान है, इसलिए उस टाइप के कपड़े नहीं पहनना चाहती। और आप पता है कि मैं रमज़ान में ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनूंगी, थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन नेल भी कटवा लिया? मैंने नेल्स भी कटवा लिया। अभी हल्का सा ये लगा के आए तो अभी इसका बतंगड़ मत बनाना, ये अभी रोज़ा खुल चुका है मेरा, रोज़ा खुलने के बाद आई। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सब लोग। बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हैं जी? अच्छा पंजाब से आए, खींच लो भाई, आइए आइए खींच लीजिए। चलो पीछे दो, पीछे जाओ, अच्छा हो जाएगा। रागी जी के फैन पंजाब में भी हैं? पंजाब से आए हैं भाई? चलेगा। पंजाब के शेर है, पंजाब के शेर लोग हैं, पंजाब के शेर लोग हैं क्या जी? जी मैडम, ले जाए पंजाब आपको घुमाने के लिए। ले जाओगे? आपकी मर्जी होगी, आप जैसे ले जाओगे वैसे छोड़कर भी जाओगे मुंबई। क्या ना है ना, पंजाब ले जाओगे, ले जाओ, हमारा क्या, हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन फिर छोड़ भी जाओगे भैया, आप मुंबई में ही ठीक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलो, तू छोट, तू क्यों लेट आया? जूस पीने गया था? नहीं नहीं, ये मेरा मुझे स्लिम ट्रिम होना, मेरी कमर एकदम स्लिम होनी चाहिए ना, रोजा कर रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे दिशा पटानी जैसी कमर करनी है एकदम। सिक्स पैक ये मेरे रोजे हैं, रोजे हैं तो इसमें ये सब बात सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी रोजा खुलने के बाद आप कुछ भी करो, रोजा खुल गया ना फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 5:30 से लेके शाम को 7 बजे तक कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नमाज पढ़ना होता है। और तू कहाँ ले जाएगा? ये मुंबई का नाला से बड़ा भाईंदर नहीं, वो पंजाब वाले लोग आए थे, कहते हम पंजाब ले जाएंगे, पंजाब ले जाएंगे, अपना माता पीट के वापस छोड़ के जाएंगे, बताओ है ना। चलो मैं जाऊं जिम, वैसे ताकत नहीं है, ताकत बिल्कुल नहीं है। अंडे ले लिए? हाँ अच्छा, वो देखो शर्मा रहे, अपने चचा भी आ गए भैया, आ जाओ चचा, कहाँ ले जाए, शर्मा गए का ले जी। इनका तो फोन ही नहीं खुल रहा। और कहाँ भी रहे हैं चचा? अरे क्या बात, क्या घुमाया है आपने, घुमा घुमा के लिए हैं, घुमा घुमा के लिए हैं फोटो फोटो। भाई मैं भैया, आज हम जिम कर पाएंगे कि नहीं? हमें तो लगता है यही लुढ़क जाएंगे, यही गिर जाएंगे। बड़ा हम ऊपर जाके अच्छी कॉफी वॉफी मारते हैं, कुछ खाते हैं, आओ कुछ खाना है क्या? नहीं नहीं। अच्छा थोड़ा बंद करो ना, कुछ बात करनी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।